हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आपकी मशीन भी भारी चल रही है, यानी कि टाइट चल रही है, तो एक ऐसी जुगाड़ लेके आए जिस जुगाड़ की बदौलत आप अपनी मशीन को एकदम पानी की तरह नरम चला सकते हैं, एकदम बढ़िया चला सकते हैं। तो देखें ध्यान से, ये हमारी मशीन बिल्कुल जाम हो गई है, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि ऐसी चल रही है कि हम अगर चलाएंगे तो शायद है कि एक ब्लाउज को दो दिन में भी नहीं सिल सकते, इतनी ये टाइट चल रही। देखें ध्यान से, और चलनी कैसी चाहिए, एकदम एक बार घुमा दें तो कई राउंड ले पैया, और ये देख सकते हैं एक राउंड भी पूरा नहीं लेती है। तो ये प्रॉब्लम, जबकि मोटर से चलाते हैं फिर भी हमारी मशीन में ये प्रॉब्लम आती है, और आपकी मशीन में भी आती होगी। तो चलिए एक ब्लेड की मदद से हम बताएंगे कैसे हमें ठीक करना है। सबसे पहले हमें कहाँ कहाँ चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ पर हमारी मशीन खराब होती है, और मतलब कहाँ कहाँ से हमारी मशीन टाइट हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है, ध्यान से देखें थोड़ा। पहले जो धागा हमारा फंस जाता है तो यहाँ पर फंस जाता है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर धागा फंसने से हमारी मशीन टाइट चलने लगती है, ठीक। पहली तो यानी कि यही जगह है, यहाँ से देख लें चेक करके कहीं धागा वगैरह ना फंसा हो, लेकिन यहाँ पर तो नहीं फंसा है, देख सकते हैं हिलाने से बिल्कुल आसानी से हिला, इसका मतलब है यहाँ पर धागा बिल्कुल नहीं फंसा है। और दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, ध्यान से देखें, दूसरी प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर होती है, दूसरी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर धागा फंसने से होती है। ये हमारी शटर है, देखें ध्यान से, और शटल के बीच में धागा फंस जाता है, जैसा कि ये फंसा हुआ है, देखें ध्यान से, ये धागा अगर फंसा है तो इससे भी हमारी मशीन जाम चलने लगती है। तो चलिए इसे निकाल देते हैं, ये आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई भी निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको सीधा उल्टा चलाना है और इस तरीके से धागे को निकालना है। ध्यान रखें धागा टूट ना जाए, अगर टूटेगा तो फिर हमें शटल को खोल कर तब धागे को निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसे निकाल, फ्रेंड ध्यान से देखें, हमें इस धागे को निकालना है, तो थोड़ा हिला ला कर इस तरीके से धागे को निकाल दें। आपकी मशीन अगर टाइट चल रही होगी तो नरम हो जाएगी, और जो हम जुगाड़ आपको बता रहे हैं ब्लेड वाली जुगाड़, वो जुगाड़ जरूर देखें, उस जुगाड़ से आपकी मशीन हमेशा के लिए टाइट चलना बंद कर देगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, तब हमारी मशीन टाइट चलने लगती है। देख सकते हैं धागा काफ़ी इसमें फंस गया, और यानी कि 80% प्रॉब्लम हमारी यहीं से होती है, धागा फंसने से, ठीक है। तो चलिए इसे निकालते हैं, सबसे पहले थोड़ा ध्यान से निकालें, अगर यहाँ पर धागा फंस गया तो थोड़ा आराम से निकालें, निकल आएगा, ठीक है, धागा सभी निकल आते हैं, कोई भी धागा फंसा हुआ हो। तो चलिए इसमें ब्लेड थोड़ा यूज करें, ब्लेड कैसे यूज करेंगे, तो ब्लेड को हम इस तरीके से लगाएंगे और लगाने के बाद हल्का मशीन को चलाएंगे, ठीक है। तो देखना अगर धागा होगा तो निकल कर बाहर आने लगेगा, ठीक। देखिए ब्लेड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जिससे हम अगर सुई डालेंगे तो सुई नहीं पड़ेगी यहाँ से, ठीक है, लेकिन ब्लेड एक ऐसी चीज़ है इससे धागा हमारा आसानी से निकल आएगा, बिल्कुल जड़ से धागा निकाल कर बाहर कर देगी ये ब्लेड वाली जुगाड़। अगर आपकी मशीन का धागा बाहर नहीं निकल रहा है तो बस आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस इसी तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं। अगर इस तरीके से भी ना निकले तब फिर हमें क्या करना, तब इसका पेच खोल कर शटल को खोल करते हैं। तो ये हमने धागा यहाँ पर निकाल दिया, थोड़ा यहाँ पर ऑयल लगा दें, और ये यहाँ का तो काम हो गया है, थोड़ा ऑयल लगा दें, ठीक, इसमें ऑयल लगा दें, अगर होगा तो और भी धागा निकल जाएगा। उसके बाद थोड़ा ऑयल हमें यहाँ पर भी दे देना है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ऑयल थोड़ा डाल दें, इससे हमारी मशीन कुछ हद तक नरम भी चलने लगेगी और प्रॉब्लम कम होगी इससे, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद कहाँ पर हमें चेक करना है, तो फ्रेंड ध्यान से देखें, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से ब्लेड को डालना है, ठीक है, इस तरीके से ब्लेड को डालना है, और इस तरीके से हमें करना है। तो आपकी मशीन में अगर धागा फंसा हुआ होगा तो ये भी निकल के बाहर हो जाएगा, ये ब्लेड का कमाल है, ठीक है, और इससे हमारी मशीन नरम चलने लगेगी। देखें ध्यान से किस तरीके से धागा हमारा निकल कर बाहर हो रहा है, देख सकते हैं इस तरीके से धागा हमारा फंसा हुआ है, और ये इस तरीके से मशीन को उल्टा चला कर हम अपने धागे को निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकालने, देख सकते हैं काफ़ी लंबा धागा फंसा हुआ था। अब आप यकीन नहीं करेंगे, इतना लंबा धागा अगर जहाँ पर फंसा हुआ होगा तो वहाँ पर हमारी मशीन क्या खाक चलेगी अच्छी, लेकिन देख सकते हैं अब हमारी मशीन में राउंड काफ़ी अच्छे लगने लगे, देख सकते हैं। तो चलिए अभी और ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा ब्लेड को ब्लेड लगा कर देखते हैं हमारी मशीन में। तो चलिए अब देखते हैं कि और धागा फंसा है कि नहीं फंसा है, इस तरीके से ब्लेड से लेके हम करेंगे, थोड़ा धागा फंसा होगा तो वो भी निकलने का प्रयास करेगा, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ फंसी है। देखिए भाई, ये ब्लेड वाली जुगाड़ हमारी नज़र में तो सबसे अच्छी है, आप बताएं आपकी नज़र में अगर कोई और कोई इससे अच्छी भी बढ़िया जुगाड़ है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसे भी फॉलो करके देखेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से कचरा हमारी मशीन में निकल रहा है, ठीक, इस तरीके से कचरा निकल रहा है, मशीन भारी मशीन भी चलेगी पानी की तरह, बस आप इस तरीके से बस कर लें, देख सकते हैं, देख ब्लेड अगर फंसा हुआ होगा धागा तो उसे भी काट देगा और
तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। आपके लिए काम छोड़कर, सिलाई का काम छोड़कर अब आपके लिए वीडियो बनाते हैं। बस क्या, एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए भैया लाइक ज़रूर करें। इस तरीके से निकालते रहें, आगे पीछे करके निकालते रहें। मशीन को थोड़ा उल्टा भी चलाकर देख लें, देख सकते हैं मशीन कुछ हद तक क्या लगभग काफ़ी अच्छी चलने लगी थी, पहले से काफ़ी बढ़िया चलने लगी। तो इस तरीके से प्लेट को लगाकर इस तरीके से चलाएं, ठीक है, इस तरीके से चलाएं, अच्छे से टाइट करके चलाएं। देख सकते हैं तो कचरा ऑटोमेटिक ही निकलेगा बाहर, ठीक है। इस तरीके से कचरा हमारा कट कट के निकलेगा, ठीक है, कट कट के हम निकाल सकते हैं। अगर ब्लेड को तोड़ देंगे तो और अच्छे से निकल आएगा, क्योंकि पहले तो इसी तरीके से निकाल लें। अरे गुरु चलिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी मशीन सही चलने लगी है और पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। अब इसमें थोड़ा ऑयल वगैरह डालेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर ऑयल डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि कैसी चल रही हमारी मशीन। देख सकते हैं काफ़ी नरम चलने लगी, पहले तो बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो चलिए उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें, इस तरीके से ऑयल ज़रूर लगा दें। फ्रेंड्स अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है मशीन से रिलेटेड, हमें ज़रूर याद करें और जो भी आपकी कमेंट है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, हम आपको जल्दी से जल्दी और तुरंत इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बस आप लोगों से अनुरोध है, मशीन की मतलब कोई भी मशीन हो, आपकी सिलाई मशीन हो, पीको मशीन हो, चाहे अम्ब्रेला मशीन हो, चाहे छोटी बड़ी मशीन कोई भी हो, सबका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक करके जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।